الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بگردابِ بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمنِ بے سر و ساما مدد قبلِ دی مدد کعبِ ایماں مدد شہاب کس نوازی کن طبیبا چار سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ برادران ملت اسلامیہ جملہ ناظرین حاضرین ناظرات سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید سے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف جمیل حاصل کیا ہے خدائے قدیر و جبار اس کے حوالے سے مجھے حق کہنے آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو تادم مرگ حق پر عمل کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آئیے سب سے پہلے ہم سب پوری توجہ احترام ادب اور لو لگا کر گنبد خضرا کے مکین آمنہ کے لال محسن انسانیت فخر کائنات فخر آدم و بنی آدم تاجدار عرب و عجم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مایہ ناز میں عقیدت و محبت کا ہدیہ درود و سلام کی صورت میں پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ و بارک و سلم قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے میں سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل اس کی ابتدا میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله پاک ہے وہ ذات جو لے گئی یا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلن رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک اس آئے مبارکہ میں صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معجزے کا تذکرہ ہے کہ وہ معجزہ جو واقع تو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہوا تھا لیکن آج تک وہ معجزہ جہاں مومنین کے دلوں میں ایمان کی گرمی پیدا کرتا ہے
वहीं वो मौजज़ा हज़ारों लाखों गुमराहों के इस्लाम लाने का सबब भी बन गया है। वो मौजज़ा जिसे इब्तिदा में इंसानी अक्ल ने कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन आज के इस तरक्की याफ्ता और मॉडर्न दौर में साइंस उसका एतराफ़ करती हुई नज़र आती है। वो साइंस जो तजुर्बात पे यकीन रखती है, वो साइंस जो तजुर्बात से हासिल होने वाले नताइज पर अपने नज़रियात की बुनियाद रखती है, आज वही साइंस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े की बारगाह में घुटने टेकती हुई नज़र आती है। और साइंस की और इंसान की इस बेपनाह तरक्की के बावजूद भी साइंस जिस हद तक नहीं पहुंच सकी, उससे लाखों करोड़ों गुना आगे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा आपकी अजमत को जाहिर करता हुआ और आपकी शान को मनवाता हुआ नज़र आता है। मेराज पाक, अल्लाह तबारक व ताला ने मेराज के हवाले से सराहत के साथ कुरान मजीद में बयान फरमाया, ख़ास करके सूरह इसरा में, उसके अलावा आखिरी पारे सूरह अन-नजम में। इन दोनों जगहों पे इसरा वल मेराज का तस्करा हुआ। इसरा और मेराज है क्या? आम समझ के लिए मैं आपको बता दूं, बुनियादी तौर पे मेराज और इसरा किसको कहते हैं। इसरा के माने रात को सैर कराने के, रात को ले जाने के हैं। तो इसरा और मेराज, ये पूरा जो सफ़र है मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके तीन दर्जे हैं, तीन हिस्से हैं। एक मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। इसका जिक्र सराहत के साथ कुरान मजीद में मौजूद है। जो भी इसका मुनकिर होगा वो काफिर है। पूरी उम्मत का इस पर इजमा है, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। जो भी इसका मुनकिर होगा वो काफिर होगा, क्योंकि वो कुरान की आयत का मुनकिर होगा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का हिस्सा ये इसरा कहलाता है, और मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे सवार होकर के तशरीफ़ ले गए, सवार होकर के हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, वो हिस्सा मेराज कहलाता है। और सिदरतुल मुंतहा जहाँ जाने के बाद जिब्राइल की भी हद बंद हो गई, ख़त्म हो गई, जिससे आगे बढ़ने की हिम्मत जिब्राइल भी ना कर सके, वहाँ से लेकर जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब से मुलाकात की, 70,000 हिजाबात जो हटाए गए, और वहाँ जो नेमतें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से मिली, रब की जियारत हुई, अल्लाह ने मेहमान नवाजी की, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान की हैसियत से गए और अल्लाह ने उनकी मेज़बानी फरमाई, ये सारा सफ़र जो सिदरतुल मुंतहा से आगे का है वो एराज कहलाता है। कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात में इसका इशारा सराहत के साथ तस्करा है सफ़र मेराज का। उसके अलावा अहादीथ मुबारका की तरफ अगर आप नज़र करें तो तकरीबन 45 सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन से मेराज के हवाले से रिवायात मनकूल हैं। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, सियाह सित्ता, कुतुब हदीस, कुतुब तफासिर उन रिवायात से भरी हुई हैं। इमाम कुर्तुबी, काजी अयाज, इमाम इब्न हजर अस्कलानी, अल्लामा ज़रकानी, ये सारे अकाबिर मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि मेराज के हवाले से जो रिवायात अहादीस में वारिद हुई हैं वह हद तवातुर को पहुँची हुई हैं, मुतवातिर हैं, यानी उसका इनकार मुमकिन ही नहीं है। मुतवातिर किसको कहते हैं? मुतवातिर उन रिवायात को कहते हैं कि उनके रावियों की तादाद हर दौर में इस कसरत से हो, इस कसरत से हो कि अकलन उनका झुटलाना या उनको झूठा करार देना मुहाल हो, इम्पॉसिबल हो। तो मेराज के जो रिवायात हैं वो तवातुर के साथ साबित हैं। आज की इस गुफ्तगू में इंशाअल्लाहुल अज़ीम मुझे मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से तो एक ओवरव्यू, एक नक्शा आपके हवाले करना ही है, लेकिन साथ ही साथ मेराज और साइंस, साइंस क्या कहती है और मेराज साइंस से हम कैसे आज साबित कर सकते हैं, वो भी मैं आपके हवाले करने की आज कोशिश करूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। इकबाल कहते हैं, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे, कि आलम बशरियत की जद में है गर्दूं,
दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देख कर, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, बाहों में हार डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। बहरकैफ मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुई क्यों, मेराज का मकसद क्या था, असल पसे मंजर क्या है मेराज का। मेराज का पसे मंजर बस महबूब की शान करीमी को दिखलाना है। मेराज का पसे मंजर मुस्तफ़ा जाने रहमत की खसूसियात को जाहिर करना है। मेराज का मकसद रब की इनायात की जो बरसात है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे, उन इनायात को दिखाना है कि महबूब और मुहिब का रिश्ता कैसा है और मुहिब अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता है, ये दिखाना है। इसीलिए मेराज हुई। मेराज के हवाले से यूं तो मुहद्दिसीन के यहाँ तकरीबन 11 अकवाल मौजूद हैं कि किस वक्त वाकई हुई, लेकिन ज़्यादातर और राजिह जो राय है वो ये कि 11 हिजरी में मेराज का वाकया पेश आया। और खसूसियत के साथ हम मखसूस करके मोर स्पेसिफिकली अगर हम कहना चाहें तो मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आमुल हुज्न और मेराज ये बहुत करीब करीब हैं। आमुल हुज्न क्या है? आमुल हुज्न वो साल है जिसमें अबू तालिब का इंतकाल हुआ, जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिले नाजुक पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आई और बहुत ज़्यादा उस दिले नाजुक को दर्द पहुँचा। और आमुल हुज्न वो है जिसमें हज़रत उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाहु ताला अनहा का विसाल हुआ, और इस विसाल से भी हुजूर अकरम इस इंतकाल से भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ पहुँची। और आमुल हुज्न वो भी है, वो है जिसमें ताइफ का वाकया पेश आया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत ले करके ताइफ के बाज़ार में पहुँचे तो ताइफ में जालिम काफिरों ने नबी पर इतने पत्थर बरसाए कि पूरा बदन अकदस खून से लहूलहान हो गया, यहाँ तक कि नालेन मुबारक में खून इतना जम गया कि नालेन शरीफ निकलते नहीं थे खून के जमा होने की वजह से। ये सारी तकालीफ पहुँची, ये सारे दर्द पहुँचे, ये सारी मुसीबतें और आलाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचे तो दिल टूटा हुआ था, दिल दुखा हुआ था। दुनिया में अगर किसी का दिल दुखता है तो जो चाहने वाले होते हैं वो दिलासा करने देने की कोशिश करते हैं, वो तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। जब महबूब का दिल दुखा तो अल्लाह ने मेराज का तोहफा अता फरमाया और बताया कि ऐ महबूब, अगर खतीजा का ताल्लुक इस दुनिया में आपसे ख़त्म हो जाता है, वो इंतकाल कर जाती हैं, वो आपसे जुदा हो जाती हैं, तो आप इस इंतकाल से कबीदा खातिर मत हो, रंजीदा मत हो, अब अल्लाह आपको अपने विसाल की ऐसी दौलत अता फरमाएगा कि जो कयामत तक किसी को नहीं मिल सकती और ना कभी किसी को मिलेगी। ये सिर्फ आपका खासा होगा कि अल्लाह आपकी मेज़बानी करेगा और आप बतौर ख़ास मेहमान बन करके सातों आसमानों पे तशरीफ़ लाएंगे और अल्लाह की पूरी मखलूक आपका कुछ इस्तकबाल ऐसे करेगी, फलक मलक शजर हजर सब, यहां तक के वक्त भी आपके लिए रुक करके इस सफर को मुमताज बनाता हुआ नजर आएगा और अल्लाह आपको अपने दीदार और विसाल की नेमतें अता करेगा ताकि आपके दिल को जो चोट पहुंची है, दुख पहुंचा है, उस दुख का इजाला किया जाए। और पता चला दुनिया वालों को दुख पहुंचता है तो मखलूक उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन जब महबूब के दिले नाजुक को तकलीफ़ पहुंचती है तो दिलासा खुद खालिक़े कायनात दिया करता है। मेराज वही है जिसके हवाले से इमाम अहले सुन्नत मेराज के सफ़र के हवाले से कहते हैं, वो सरवरे किशवरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, बहार को शादियां मुबारक चमन को आबादियां मुबारक, फलक मलक सब अपनी अपनी लय में वो घर अनादिल के बोलते थे, तबारक अल्लाह है शान तेरी तुझी को ज़ैबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोशे लंतरानी कहीं तकाजे विसाल के थे, सुरागे ऐनो मता कहाँ था निशाने कैफो इला कहाँ था,
न कोई साथी न कोई रहबर न संग मंजिल न मरहले थे। कमाने इमकान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहित की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। मुहित की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। कमान इमकान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहित की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। वही है अव्वल वही है आखिर वही है बातिन वही है जाहिर। उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। अल्लाह अकबर। आखिर में बरेली के इमाम कहते हैं नबी रहमत शफी उम्मत लिल रजा पे लिल्लाह हो इनायत। नबी रहमत शफी उम्मत रजा पे लिल्लाह हो इनायत। उसे भी उन खलअतों से हिस्सा हमें भी उन खलअतों से हिस्सा जो खास रहमत के वां बटे थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अल्लाह अकबर। ये कसीदा मेराज आला हजरत का ये ऐसा कसीदा मेराज है इसे सुनने के बाद लखनऊ के उदबा और शोरा ने आला हजरत की बारगाह में हथियार डाल दिए। कहा अदब के जो महापारे इस कसीदे में बिखेरे गए हैं उनका जवाब हमारे कलमों के पास नहीं है। मोहसिन काकोरवी जैसा शायर अपना कसीदा सुनाने के लिए आला हजरत की बारगाह में आया लेकिन जब ये कसीदा आला हजरत ने सुनाया कसीदा मेराज तो वो लपेट करके कसीदा अपने जेब में रखकर वापस चले गए। कहा इस कसीदे के पास मुझ में ये हिम्मत नहीं है। इस कसीदे के बाद आपके कसीदे को सुनने के बाद कसीदा मेराज को सुनने के बाद मुझ में ये हिम्मत नहीं है कि मैं अपना कसीदा यहाँ पे सुनाऊँ। अल्लाह अकबर। बहर कैफ मेराज ये तोहफा है अल्लाह की तरफ से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को। और मेराज हुई कैसे कितने अरसे में हुई और ये जो सफ़र है ये पूरा सफ़र कितने अरसे में हुआ जानते हैं आप? अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है उसके हवाले से। कुरान कहता है क्या कहता है कुरान? कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। यहाँ जो लैलन कहा गया है उसकी तरफ तवज्जो दें। लैलन पे जो तनवीन है ये जुज़ियत को बताती है। ए वेरी शॉर्ट पार्ट ऑफ ए नाइट। रात के थोड़े से हिस्से में रात के मुख्तसर से हिस्से में। और वो मुख्तसर सा हिस्सा भी जानते हैं कैसा था? अक्ल पे जोर देने वालों एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। नबी मेराज के लिए गए हमारे लिए बस हुजूर ने कह दिया हम मेराज के लिए गए हमने तस्लीम कर लिया हमने मान लिया। क्यों? क्योंकि बगैर दलील के बगैर सोचे या बगैर जांचो पड़ताल के नबी की बात को जो मान लेता है वो सिद्दीक अकबर बन जाता है। वो सिद्दीक अकबर बन जाता है। जब अबू जहल ने कहा था कि तुम्हारे दोस्त ये दावा करते हैं कि रात के उस हिस्से में थोड़े से हिस्से में यहाँ से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए फिर वहाँ से सातों आसमान गए जन्नत देखी दोजख देखी नमाजों का तोहफा भी ले लिया अल्लाह से मुलाकात भी हो गई और 70,000 हिजाबात भी हटा दिए गए ये सारा सब कुछ रात के थोड़े से हिस्से में कर लिया आपके दोस्त ये कहते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अगर मेरे दोस्त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर वो फरमाते हैं तो इतना टाइम क्या वो अगर मुझे ये कहें कि इससे भी कम वक्त में मैं गया था तो भी मैं बगैर सोचे समझे मान लूँगा। अल्लाह ने फरमाया कि अबू बकर तुमने मेरे महबूब की तस्दीक की अब क़यामत तक तुमको दुनिया सिद्दीक अकबर कह करके याद करेगी नाम से कम लकब से ज़्यादा याद करेगी यानी पूरी कायनात में मनसब भी तुम्हारा ही सबसे आला होगा अंबिया के बाद और क़यामत तक तुमसे बड़ा सच्चा मखलूक में उम्मत में कोई होगा ही नहीं होगा ही नहीं तुम सिद्दीक अकबर हो। ये इनाम अल्लाह ने अता फरमाया। नबी गए रात के थोड़े से हिस्से में कितना हिस्सा था जानते हैं आप? रिवायतें बयान करती हैं अल्लाह अकबर रिवायतें बयान करती हैं जब सफ़र मेराज के लिए हुजूर जाकर वापस आए
तो उम्मे हानी का जो घर था, वहाँ की जो कड़ी थी उस दरवाजे की, डोर की जो कड़ी थी ना लॉक, वो भी हिल रहा था। वजू का जो पानी था वो भी अभी बह रहा था। बिस्तर जिससे उठकर के गए थे वो बिस्तर भी अभी गर्म था। हाय हाय, क्या शान थी उस सफर की, क्या निराला सफर था। आजकल लोग किसी मेहमान को बुलाते हैं ना, मेहमान को बुलाते हैं तो उसके आराम का इंतजाम करते हैं। कोई फ्लाइट से बुलाता है, कोई चार्टर तैयार अगर उसकी हैसियत है तो उससे बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन कुर्बान जाइए मेराज के सफर पे, कुर्बान जाइए मेराज के सफर पे। मेराज के सफर में जो चीजें हमें देखने को मिली, कयामत तक ना ऐसी मेजबानी हो सकती है, ना कयामत तक कोई ऐसा मेहमान बन सकता है। चूंकि मेराज की शब में मेजबान खुदा था और मेहमान मुस्तफा थे। और सवारी भी कैसी, मुर्गे सिदरा जिब्राइल अमीन को भेजा अल्लाह ने, जाओ महबूब के कदमों का बोसा लेना। तुम जब बोसा लोगे तो उसकी गर्मी से महबूब बेदार होंगे। दरवाजे पे दस्तक नहीं देनी है, कदमों को बोसा देना है। जिब्राइल आए, कदमों को बोसा देकर के बता दिया, और कयामत तक उन एतराज करने वालों को जवाब भी दे दिया जो आयत इकरा पढ़ के ये कहते हैं कि जिब्राइल उस्ताद थे और नबी शागिर्द। माज़ अल्लाह, नहीं, जिब्राइल शबे मेराज में नबी के कदम चूम करके बता रहे हैं कि मेरी तो मंजिल ये है कि मैं भी मुस्तफा के कदम चूमता हूं, भला मैं उनका उस्ताद कैसे हो सकता हूं। मुस्तफा का उस्ताद और मुअल्लिम तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जिसने उनको आखिरी नबी बनाया वही उनका मुअल्लिम है, अल्लाह ही उनका उस्ताद है। हजरत का इल्म, इल्मे लदुन्नी है या लतीफ, हजरत वहीं से आए थे लिखे पड़े हुए, अल्लाह ने पढ़ाया नबी को। बहर कैफ जिब्राइल आए, ले गए बुराक पे ले गए। अब यहां पर लैलन जो कुरान ने फरमाया, लैलन जो फरमाया, क्यों फरमाया, ये इशारा है कुरान की तरफ से कि ये सफर रात के एक मुख्तसर से हिस्से में हुआ, रात के एक मुख्तसर से हिस्से में। अब आप देखिए साइंस क्या कहती है इसके हवाले से, क्या ये पॉसिबल है कि थोड़े से वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वो भी उस टाइम पर जबकि आजकल जैसे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं थे, उस दौर में फ्लाइट का कोई तसव्वुर नहीं था। इस पे आने से पहले एक नुक्ता मैं और बताना चाहता हूं, एक शक का इजाला करना चाहता हूं। वो ये कि जो कहते हैं ना कि इतने छोटे से वक्त में हो कैसे गया, तो उसका जवाब तो अल्लाह ने कुरान में दे दिया। अल्लाह ने बता दिया कि नबी खुद नहीं आए थे, नबी खुद नहीं आए थे। सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। बंदा खुद नहीं आया था, नबी खुद नहीं आए थे, बुलाए गए थे। जब अल्लाह सैर कराने वाला हो तो वो छोटा सा हिस्सा क्या उसके करोड़वें हिस्से में भी इतना सफर हो जाए तो ताज्जुब की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो कादिर मुतलक है, वो कादिर मुतलक है। आज से 1000 साल पहले कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि चंद घंटों में 7 समंदर पार करके कोई बर्रे सगीर से यूरोप तक आ जाए, तैयारों का वजूद नहीं था। लेकिन आज लोग देखते हैं और ये जर्नी पॉसिबल हो गई। बल्कि आजकल तो तैयारे, सुपरसोनिक तैयारे भी हैं, जो जंगी तैयारे हैं, आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज जाने वाले तैयारे हैं, उस दौर में नहीं थे। अब मक्का से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये कितना डिस्टेंस था उस वक्त के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से 1 महीने की मुसाफत थी। 1 महीने का सफर मक्का से कोई करे तो उसके बाद, 1 महीने के बाद मक्का से शुरू करे सफर तो उसके 1 महीने के बाद जाकर के कोई मस्जिद अक्सा तक पहुंच सकता था, 1 महीने की वो मसाफत। उसके बाद मस्जिद अक्सा से लेकर के जो आसमान है, पहला आसमान, उसकी मसाफत क्या है, वो मसाफत 500 साल की है। 500 ईयर्स कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग होती रहे तब जाकर के कोई पहले आसमान पे पहुंचे, 500 साल। और सातों आसमान को अगर मल्टीप्लाई अगर आप करें, उसको जरब दे दें, तो कितने हो गए, तकरीबन 3500 साल, 3500 साल, 3500 साल।
अब यहां पे आइंस्टाइन जो है, अल्बर्ट आइंस्टाइन या आला हजरत का मुआसिर साइंसदान है, मुहक्किक है, वो कहता है कि मैंने दूरबीन के जरिए से एक कहकशां का इंकशाफ किया। इस कहकशां को मैंने देखा, अगर कोई उस कहकशां तक पहुंचना चाहता है तो कम से कम 2 करोड़ बरकी साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। और फिर कहता है कि अगर मुझे इस कायनात की उसअत का अंदाजा लगाना है कि कायनात कितनी बड़ी है, तो तकरीबन मेरी उम्र अगर 1,00,000 साल से भी ज्यादा हो जाए तब भी मैं उस हद का तायुन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। वो हद सिर्फ अल्लाह जानता है कि कितनी है, और अल्लाह ने जिसे बताया वो जानते हैं। अब मुझे बताओ, ये कहता है दूरबीन से जिस कहकशां को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने देखा, उसे देखने के बाद वो कहता है कि वहां तक जाने के लिए 2 करोड़ बरकी साल लग सकते हैं। और बरकी साल जानते हैं, बरकी साल का मतलब हुआ लाइट की जो ट्रैवलिंग लिमिट होती है, उसका जो सफर करने का उसकी जो रफ्तार होती है वो जानते हैं, ये 1,86,000 मील पर सेकेंड, 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। रोशनी इतनी रफ्तार से, ये रोशनी की रफ्तार होती है, इस रफ्तार से अगर सफर करे तो 2 करोड़ साल लगे, आइंस्टाइन कहता है। ये 1400 साल बाद आने वाला आइंस्टाइन बता रहा है, कह रहा है कि ये मेरी तहकीक है कि उस कहकशां तक पहुंचने के लिए 2 करोड़ साल लगेंगे। कुर्बान जाओ नबी की अजमत पर। तुम तो सिर्फ कहकशां की बात करते हो, मेरे मुस्तफा कहकशां को भी पार करके, सातों आसमान को पार करके, लामकां को पार करके, रब का दीदार करके, नमाजों का तोहफा लेकर वापस आ गए, तो जिस बिस्तर पे सो के गए थे वो बिस्तर भी अभी गर्म था, जहां से वजू करके गए थे वजू का पानी भी अभी बह रहा था, जिस घर से निकल करके गए थे उस घर की जो जंजीर थी वो जंजीर भी अभी हिल रही थी। पता चला साइंस इतनी तरक्की के बाद जो करोड़ों साल के बाद पहुंच सकती है, मुस्तफा करीम वहां उसके करोड़वें हिस्से से भी कम वक्त में पहुंच जाते हैं। ये शान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साइंस क्या कहती है मेराज के हवाले से, व्हाट डज साइंस सेज अबाउट दिस सेक्रेट जर्नी ऑफ मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या कहती है साइंस। ये डिस्टेंस जो मैंने आपको बताया अंदाजे के हिसाब से 3500 साल, 3500 ईयर्स, इफ यू आर कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग 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 देन इट इज पॉसिबल टू यू टू क्रॉस द सेवेंथ स्काई, सातवां आसमान। 3500 साल लगेंगे सातवें आसमान तक पहुंचने के लिए, और मक्का से मस्जिद हराम तक पहुंचने, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचने के लिए 1 महीना लगेगा उस दौर की मुसाफत के हिसाब से। अब साइंस इसके हवाले से क्या कहती है, क्या किसी इंसान का इतने छोटे से वक्त में इतना लंबा सफर करके आ जाना, ये लॉजिकली मुमकिन है, पॉसिबल है। तो अगर आपने नजरिए इजाफियत, वो हरकत जिसको थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, इसको आपने पढ़ा हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन जिसने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस कराया, बताया, उसने लाइट की ट्रैवलिंग लिमिट, ट्रैवलिंग स्पीड जो है, रोशनी की रफ्तार, उजाले की सफर की रफ्तार उसने जो बताई, वो कहता है 1,86,000 माइल्स, इट मींस 186,000 माइल्स पर सेकेंड, 1,86,000 माइल पर सेकेंड इतनी रफ्तार से रोशनी सफर करती है। यही वजह है कि जब आप देखें आसमान कितना दूर है हमसे, लेकिन बिजली जैसे ही कड़कती है पता चल जाता है, क्यों, क्योंकि रोशनी की रफ्तार बहुत तेज है। होता ऐसे भी है कि रोशनी पहले नजर आती है, आवाज बाद में सुनाई देती है, क्यों, क्योंकि आवाज में और रोशनी में जो स्पीड ज्यादा है वह रोशनी की है। अब यह अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है
रोशनी की, एक लाइट की, एक रोशनी की स्पीड ये है 186,000 माइल्स पर सेकेंड। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि अगर कोई रोशनी की जो स्पीड है उस स्पीड का 90% पाले, उस स्पीड का 90% होता है 167,000 माइल्स पर सेकेंड, इतना अगर कोई पाले और वो ट्रैवल करे। इसको एक और आसान मिसाल के जरिए से मैं बताऊंगा। यू समझिए कि दे आर टू ब्रदर्स, दो भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, दे आर ट्विंस, ठीक है। एक रॉकेट पे सफर के लिए निकला और दूसरा जमीन पे मौजूद है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो साइंटिफिक नजरिया पेश किया उस नजरिए के मुताबिक वो भाई जो रॉकेट में सफर कर रहा है अगर वो रोशनी की मिकदार पा ले, एक लाइट की मिकदार पर सेकेंड जो है पा ले, 90% अगर वो पा ले, तो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है अगर उस रफ्तार से वो सफर करने लगेगा तो दुनिया में जो उसका भाई है वो तो 10 साल बड़ा हो जाएगा। 10 साल अगर गुजर जाएं तो ये 10 साल बड़ा होगा, लेकिन वो जो ट्रैवल वहां पे कर रहा है उसकी उम्र सिर्फ 5 साल बढ़ेगी। क्योंकि जब इतनी रफ्तार से कोई बदन ट्रैवल करता है तो जो हरकत होती है बदन की, अंदरूनी हरकत, इट मींस जो सांस लेना है, द ब्रीथिंग, वो स्लो हो जाती है। उसके बाद दिल का धड़कना जो है, पंपिंग, वो स्लो होता है। हाजमा, डाइजेशन, वो स्लो हो जाता है। उन सबको वो कैलकुलेट करके बताता है, दो भाई जो ट्विन हैं एक ही उम्र के हैं, अगर कोई रोशनी की मिकदार पाकर के सफर करे और 10 साल वो सफर करता रहे तो नीचे जो जमीन पे भाई है उसकी उम्र तो 10 साल बढ़ जाएगी, लेकिन वो जो ट्रैवल कर रहा है उसकी उम्र सिर्फ 5 साल बढ़ेगी, सिर्फ 5 साल बढ़ेगी। और फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है, ये साइंटिफिक थ्योरी है जिसको दुनिया मानती है, उस थ्योरी के हिसाब से मैं चीज आपको समझा रहा हूं, कहता है फिर अगर कोई जो एग्जैक्ट रोशनी की मिकदार है, ट्रैवलिंग जो स्पीड है, उतनी ही स्पीड अगर कोई पाले, अगर 90% पाएगा तब तो फिर जमीन पे जो गुजर रहा है वक्त उसका आधा वक्त ऊपर लगेगा, लेकिन अगर कोई 100% वो स्पीड पाले रोशनी की, विच मीन्स 186,000 माइल्स पर सेकेंड, अगर इतना कोई पाले तो फिर वो कहता है तो वहां ऊपर जो जा रहा है टाइम वहां बाकी ही नहीं रहेगा, टाइम की जो हद है वो हद ही खत्म हो जाएगी, जो टाइम का की जो बंदिश है वो बंदिश खत्म हो जाएगी, उस पर कोई वक्त गुजरेगा ही नहीं जो इस ट्रैवल, इस रफ्तार के साथ ट्रैवल करे। साइंस कहती है और साइंस इसको मानती है। अब आइए नबी की बारगाह में, हदीस की बारगाह में, हुजूर ने सफरे मेराज किया। मेराज का सफर हुजूर ने किस पे किया? हुजूर ने मेराज का सफर किया, बुखारी, मुस्लिम शरीफ, जितनी भी अहादीस की किताबें उसमें मौजूद है, बुर्राक। बुर्राक, ये बुर्राक क्या है? बुर्राक बना किससे है? इफ यू सर्च द वर्ड बुर्राक, वेर इट डिराइव्स फ्रॉम, ये कहां से आता है, कहां से निकलता है, इसका मुश्तक आप तलाश करें तो आपको पता चलेगा बुर्राक बना है बर्क से। बर्क, बर्क के माने रोशनी, चमक, लाइट। बुर्राक के माने बहुत ज्यादा चमक, बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा रोशनी। और रिवायतों में बुर्राक की तेजी का जो तस्करा आया है वो बताता है कि बुर्राक की तेजी का आलम जो अंदाजन बताया गया वो ये था कि बुर्राक एक कदम यहां रखता था और दूसरा कदम वहां रखता था जहां तक नजर पहुंचती है, जहां तक निगाह पहुंचती है, दूसरा कदम वहां रखता था। अब अगर कोई रोशनी की जो ट्रैवलिंग स्पीड है उसको पा ले तो उस पे वक्त खत्म हो जाएगा, वक्त की बंदिशें खत्म हो जाएंगी। अब बुर्राक जो बहुत ज्यादा रोशनी, बहुत ज्यादा चमक, तो इसमें सिर्फ एक रोशनी नहीं थी बल्कि कई रोशनियां थी, कई रोशनियां थी। अब उन सारी रोशनियों को आप मल्टीप्लाई कर लो। नबी ने जो बुर्राक पे सफर किया ये गोया कि नबी रोशनी पे सवार होकर के तशरीफ ले गए। साइंस आज कह रही है अगर इतनी रफ्तार किसी को मिल जाए तो उस पर वक्त की बंदिशें खत्म हो जाएंगी। नबी ने जिस बुर्राक पे सवारी की थी वो जो साइंस लाइट की जो स्पीड बताती है उससे कई गुना ज्यादा थी, कई गुना ज्यादा थी।
यही वजह है कि नबी रात के थोड़े से हिस्से में उम्मे हानी के घर से निकल करके गए, मेराज करके वापस आए। तो जब वापस आए तो बिस्तर भी गर्म था, पानी भी वजू का बह रहा था और जंजीर भी हिल रही थी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने नबी की सवारी के लिए रोशनियों को खुद मुसख़र कर दिया था। और इतने से वक्त में नबी गए भी और वापस भी आ गए। और ये दिखाया क्यों गया? इसलिए क्योंकि 1400 साल बाद अगर इंसान रफ्तार की इस मिकदार को जाने पहचाने तो ये ना कहे कि मैं सबसे आला हूं या मैं सबसे बड़ा हूं। अल्लाह ये बताना चाहता है, अल्लाह का बंदा और अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा को अल्लाह ने ये खुसूसियत अता फरमाई कि 1400 साल बाद जब बर्क का दौर आएगा, लाइट का दौर आएगा, टेक्नोलॉजी का दौर आएगा, तो उस वक्त भी अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान जानना चाहे, मानना चाहे, तो वो मानेगा मुस्तफ़ा को ही और मान के कहेगा कि साइंस जहां लाखों करोड़ों साल बाद पहुंचती है, अल्लाह का नबी वहां हजारों साल पहले पहुंच जाता है। साइंटिफिकली भी हम मेराज को साबित कर सकते हैं क्योंकि साइंस खुद इसको मान रही है। और हुजूर ने जो ट्रैवलिंग की थी वो साइंस के कैलकुलेशन को अगर आप सामने रखें, लॉजिकली भी हम साबित कर सकते हैं। ये लॉजिक की ज़रूरत होती है बहुत सारे लोगों को जिनका ईमान नहीं होता। हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। इसीलिए कहते हैं कि अक्ल जहाँ पहुँचती है, ईमान उस जगह पर बहुत पहले पहुँचता है। अक्ल देर में पहुँचती है, ईमान पहले पहुँचता है। साइंस को जिसका आइडिया भी नहीं था, वो बातें कुरान ने 1400 साल पहले हमें बता दी, 1400 साल पहले हमें बता दी। अब ये मैंने आपको बताया मेराज के इस सफर के हवाले से साइंस क्या कहती है। अब जरा आइए इश्क की भी बात कर लेते हैं, मोहब्बत की भी बात कर लेते हैं। अल्लाह ने हदीस पाक में फरमाया, लौला का लमा खलकतुल अफलाक वल अर्दीन। यह हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, महबूब अगर आप नहीं होते, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो आसमानों और ज़मीनों को पैदा नहीं करता, चांद और सूरज को पैदा नहीं करता, सितारों सैयारों को पैदा नहीं करता, दरिया समंदर को पैदा नहीं करता, तारों को और कहकशां को, आसमान को, किसी भी शय को पैदा नहीं करता। इन सब को पैदा इसलिए किया महबूब क्योंकि आपको पैदा करना मकसूद था। ये सब सजाया गया, बनाया गया ताकि आपको बाद में वहां भेजूं, इसीलिए इन सबको बनाया, इनको पैदा किया गया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कायनात की जान है। अगर इस दुनिया को जिस्म मान लो तो नबी उसकी रूह है, और इस दुनिया का कल्ब अगर कोई है तो वो दिल मुस्तफ़ा है। नबी की हयात से ही, नबी के होने से ही दुनिया कायम है, नबी के जिंदा होने से ही दुनिया कायम है। नबी इस दुनिया की जिंदगी, चूंकि जब जान निकल जाती है बदन में तो हरकत की ताकत नहीं होती है ना। अब मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं इश्क की जबान में, जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं सूफिया कहते हैं कि इतने मुख्तसर से वक्त में हुजूर गए और आए, क्यों आए? एक एग्जांपल देखो, ये जो घड़ी यहां पे लगी हुई है, अगर बैटरी उससे निकाल दो तो वो जो घड़ी चल रही है वो घड़ी चलेगी या रुक जाएगी? आपकी वॉच के अंदर जो सेल है, अगर आप उसे निकाल दो तो वो वॉच चलेगी या रुक जाएगी? रुक जाएगी ना। और जैसे ही आपने सेल डाला, टिक 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 टिक, दोबारा वो घड़ी चलना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो घड़ी चल रही है उस सेल की वजह से। ये कायनात चल रही है नबी की वजह से, ये कायनात चल रही है मुस्तफा की वजह से। क्यों? क्योंकि नबी इस कायनात की जान है। जब नबी इस कायनात से चले गए तो सूफिया फरमाते हैं कि पूरा आलम रुक गया, पूरा वक्त रुक गया। क्यों? क्योंकि जान यहां से निकल करके लामकान तक चली गई थी, नबी दुनिया से निकल करके लामकान तक चले गए थे, तो कायनात रुक गई, वक्त रुक गया।
और जब नबी दोबारा वापस आए, दोबारा वक्त अपनी राह चलने लगा। क्यों? क्योंकि जो निकली हुई जान थी कायनात की, वो वापस आ गई। इसीलिए बरेली के ताजदार कहते हैं, कहते हैं वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेराज इज ए जर्नी, देयर इज नो एग्जाम्पल इन द ह्यूमन हिस्ट्री फॉर सच ए सक जर्नी। एवरीथिंग इज स्पेशल इन दिस जर्नी। वाई? इट इज टू शो द स्पेशलिटी ऑफ बिलाउड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दैट हाउ स्पेशल ही इज इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। द ट्रांसपोर्ट, देयर इज नो एग्जाम्पल फॉर दिस ट्रांसपोर्ट, राइट? एंड द टाइम, जिसने मुख्तसर से वक्त में हुजूर ने सफर किया, उसकी कोई मिसाल नहीं। एंड हु इज वेलकमिंग रसूलुल्लाह? अल्लाह हिमसेल्फ इज वेलकमिंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेजबानी अल्लाह फरमा रहा है, मेहमान नबी बन करके गए हैं। अल्लाहु अकबर। यूं समझिए कि मेराज ये तय जमानी और तय मकानी, दिस वर्ड माइट बी हार्ड ऑन यू, लेट मी मेक इट ईजी। तय जमानी कहते हैं वक्त का सिमट जाना, तय मकानी कहते हैं जगह का सिमट जाना, जमीन का और जगह का, फासलों का, डिस्टेंस का सिमट जाना। टाइम एंड स्पेस, आज टाइम एंड स्पेस पे सारी चीजें मौकूफ हैं। और टाइम एंड स्पेस नबी की इस मेराज के, नबी के सफर को सलाम करते हुए नजर आते हैं। कैसे? वक्त का सिमट जाना ये तय जमानी, और स्पेस डिस्टेंस का सिमट जाना इसको कहते हैं तय मकानी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ें तो आपको पता चलेगा, हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने जब बिल्कीस का तख्त लाने के लिए कहा तो एक जिन जो था उसने कहा कि आपका तख्त, आपका दरबार उठने से पहले मैं बिल्कीस का तख्त लेकर के आ जाऊंगा। वो तकरीबन उस वक्त, इट वॉज 900 miles अवे, उस वक्त आज से कई हजार साल पहले। फिर एक अल्लाह के वली हजरत आसिफ इब्ने बरखिया ने कहा कि ये तो बहुत लंबा टाइम है कि दरबार बर्खास्त होने से पहले लाए, मैं तो पलक झपकने तक, अगर आपकी एक अभी पलक झपकी नहीं है, मैं वो तख्त लेकर के, पूरा इतना बड़ा तख्त लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा। दैट इज व्हाट कुरान सेज, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो इनकार करे वो मुसलमान ही नहीं है। अब हजरत आसिफ बिन बरखिया गए, थोड़े से उसी टाइम के अंदर उतना बड़ा फासला तय किया और वो तख्त ला करके हजरत सुलेमान की बारगाह में रख दिया। ये वाकया भी कुरान में मौजूद है। उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया भी कुरान में मौजूद है। उज़ैर अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक बस्ती से गुजरे। अब अकल लदी मर्रा अला करियतिन वहिया खावियतुन अला उरूशिहा, वो हजरत सूरह बकरा की आयत है। हजरत उज़ैर एक करिये से गुजरे तो उन्होंने क्या देखा, एक बस्ती थी, अचानक जलजला आया, लोग गिरे और लोगों का, इमारतें गिरी और लोगों का इंतकाल हो गया। तो हजरत उज़ैर के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह इनको दोबारा कैसे जिंदा करेगा, उस वक्त हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के पास कुछ फ्रूट्स भी थे और वो एक गधे पे सवारी कर रहे थे। जैसे ही आपके दिल में यह ख्याल आया, अल्लाह ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी मौत अता कर दी। फिर 100 साल तक मौत की हालत में रहे। फअमातहुल्लाहु मिअता आम, कुरान कहता है अल्लाह ने 100 साल तक उनको हालत मौत में रखा और 100 साल के बाद जिंदा किया। फिर अल्लाह ने पूछा, उज़ैर कितनी देर तक सोए रहे? तो हजरत उज़ैर ने कहा, हो सकता है शायद एक दिन होगा। क्यों? क्योंकि हजरत उज़ैर ने देखा जो फ्रूट्स उनके साथ थे वो तो ताज़ा है, पानी भी फ्रेश है। फिर अल्लाह ने फरमाया, नहीं उज़ैर, तुम पूरे 100 साल तक हालत मौत में थे। अपने गधे की तरफ देखो, देखा तो गधे का कुछ बचा ही नहीं था, सिर्फ हड्डियां बची थी। फिर अल्लाह ने उस गधे को हुक्म दिया जिंदा हो। तो हजरत उज़ैर देखते रहे, उस गधे के ऊपर गोश्त लगा, उन हड्डियों पे जिल्द आई, वो जिंदा होकर के खड़ा हो गया। फिर हजरत उज़ैर ने सवारी की, फिर अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ऐसे ही उन मर्दों को जिंदा करेगा जैसे इस गधे को अल्लाह ने जिंदा किया। तो यहां देखिए आप, अल्लाह ने वक्त को रोक दिया ना, फल वगैरह खराब नहीं हुए, गधा तो सड़गल गया,
तो ये इसी को कहते हैं तय ज़मानी, वक्त को रोक देना। ये अल्लाह की कुदरत में है, वो जब चाहे वक्त को रोक दे, वो जब चाहे फासलों को मिटा दे। अब आप देखिए मेराज, इसीलिए तो अल्लाह कहता है ना, अल्लाह ताला फरमाता है मेराज नबी ने खुद अपनी तरफ से नहीं की थी, अपनी तरफ से नहीं की थी, बल्कि मेराज अल्लाह ने कराई उनको। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। और अल्लाह ने यहां अपना बंदा क्यों कहा, मुस्तफ़ा नहीं कहा, मुजम्मिल नहीं कहा, मोहम्मद नहीं कहा, कुरान में अब्दुहु क्यों कहा, क्यों? अल्लाहु अकबर। उसकी वजह यह है कि नबी जब मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ने जो जो इनामात देने थे सब, ये 70,000 हिजाबात हट गए, राज व उमूर की जो सीक्रेट बातें थी अल्लाह ने उनसे पर्दे हटा दिए। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वो बीमा उशर्रिफुका या मोहम्मद, ए मोहम्मद इसके अलावा और मैं आपको क्या अता करूं। दरअसल होता है ना, मेहमान नवाजी के तकाजे होते हैं, आप जब मेहमान घर पे आता है तो खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि भाई आपकी अगर कोई और ख्वाहिश हो तो मुझे बताएं ताकि मैं उसे भी पूरा करूं, मेहमान नवाजी के तकाजे। क्योंकि नबी मेहमान बन करके गए थे और मेज़बान अल्लाह था, अल्लाह ने पूछा बीमा उशर्रिफुका या मोहम्मद, ए महबूब मैं और क्या आपको अता करूं। तो हुजूर ने उस वक्त फरमाया बिनिस्बती इलैका बिल उबूदिया, ऐ अल्लाह तू मुझ पर ये इनाम फरमा कि मैं तो ताइफ के बाजारों में, मक्के की गलियों में, पूरे अरब के सहरा में ये कहता रहा कि मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा बंदा हूं, लेकिन अल्लाह मैं ये सुनना चाहता हूं कि तू फरमाए कि मोहम्मद तुम मेरे बंदे हो। मैं तो अपने आप को अपनी अब्दियत की निस्बत तेरी तरफ करता रहा, लेकिन मौला मेरी खुशी इसमें है कि मेरी अब्दियत की निस्बत तू खुद अपनी जबान अपने तरफ से अल्लाह तू बयान फरमाए। अल्लाह जबान इन सारी चीज़ों से अल्लाह पाक है, लेकिन तू अल्लाह बयान फरमा, कुदरत जबान कुदरत से तू बयान फरमा मेरे करीम। तो अल्लाह ने फरमाया अब्दहू, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई, अपने बंदे को ले गई। और ये खासा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया आए किसी को स्पेशलिटी नहीं मिली, अपना बंदा कहकर के अल्लाह ने कुरान में जिसका जिक्र फरमाया वो सिर्फ महबूब करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अल्लाहु अकबर। ये कमाल की बात है, अताओं की बातें हैं। अल्लाह ताला मेराज के इस सफ़र को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और 27 रजब उल मुरजब को ये मुबारक सफ़र हुआ था, तो आप ये बातें अपने बच्चों को बताइए ताकि उन्हें अपनी रिवायात, अपनी हिस्ट्री, अपनी तारीख जानने का मौका मिले। अल्लाह ताला कहने सुनने में कोई खता गलती हो माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व ख़तीयतिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।